में भैंसें नहलानी पड़ती थी जी, और खुद भी भैंस की पूंछ पकड़ के उसमें घुसते थे। कहीं अगर हम वाटर बॉडीज को बचा रहे हैं तो हम अपने आप को बचा रहे हैं। बीच में तो लगा कि यार मैंने बहुत गलत डिसीजन ले लिया। इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ वहाँ पे नेचर तो डिग्रेड होगा, आप एक ही टाइम पे दोनों चीजों को नहीं पा सकते। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू अनस्क्रिप्टेड टॉक्स विद मुदित। दोस्तों आज मैं ऐसी जगह आया हूँ जिसके रिगार्डिंग आपने हमेशा मूवीज या फिर टीवी शो या फिर यूट्यूब वीडियोज या फिर वॉलपेपर्स पे देखा होगा। एक अच्छा सा एनवायरनमेंट जिसके अंदर आपके पास पॉन्ड हो, पीछे ग्रीनरी हो, सूदिंग सा एनवायरनमेंट हो, पीस हो और बहुत शांति हो। तो आज मैं चौगनपुर लेक आया हूँ, जहाँ पे आज मैं एक ऐसे पर्सनैलिटी से मिलने आया हूँ जिन्हें हमारे प्रधानमंत्री जी ने पॉन्ड मैन का नाम दिया है, क्योंकि इन्होंने कई सारे पॉन्ड्स रिवाइव करे हैं, उन्हें शक्ति दी है एंड उसी का एक प्रमाण मेरे पीछे आप लोगों को दिख भी रहा होगा। सो आइए उनका हमारे चैनल पे स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, कैसे नमस्कार आप? मुदित, मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू। आपकी पूरी टीम आज तालाब को विजिट करने आई, बल्कि इसके बारे में जो व्यूज हैं, इसकी कहानी है, मेरी जो कहानी है, तो बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग आए, थैंक यू सो मच। सर इसके लिए तो मैं भी आपसे दिल से शुक्रिया मांगता हूँ कि आपने एक बार में हमें इस चीज़ के लिए टाइम दिया, थैंक यू। एंड ये हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कि हम नेचर के इतने क्लोज आके बैठे हैं, वरना मेट्रो सिटीज़ के अंदर अक्सर ना इतना पॉल्यूशन रहता है कि आम आदमी या तो मास्क से रहता है या फिर उसे घर जाके संतुष्टि मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी वही मुझे तो वही भी कारण भी वही है, क्योंकि आप पूरे NCR में घूमेंगे तो आपको इस तरह की लेक नहीं देखने को मिलेगी जी, जो उतनी क्लीन हो कि उसमें बर्ड्स दिखें, बिल्कुल है ना, उसमें उसके पास आप बैठ सकें थोड़ी देर। वही NCR, चाहे वो जमीन की इतने कीमतें बढ़ गई हैं, बिल्डिंगों की हाइट बढ़ी है सिर्फ यहाँ पे, है ना, लेकिन जो बिल्डिंगों की हाइट बढ़ी है उसके लिए नेचर की बहुत कीमत चुकानी पड़ी है हम लोगों को, तो उसी से परेशान होकर एक इनिशिएटिव हमने शुरू किया था और आज हम किनारे पे बैठ के आनंदित महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, इधर ऑक्सीजन का लिटरली एक अलग से प्योरिफिकेशन होता है ना, वो चीज़ यहाँ फील हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, कहा जाता है कि नेचर से आप जितना जुड़े रहते हैं ना, आप उतना शांत रहते हैं। आपका जो नेचर खुद का पर्सनली होता है, क्योंकि कई लोगों का एग्रेसिव हो जाता है क्योंकि वो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, उनका डे टू डे वर्क लाइफ बैलेंस नहीं रहता। बिल्कुल, बट आप नेचर से कनेक्टेड रहें, आपकी लाइफस्टाइल इतनी अच्छी हो, देसी हो जिसे कहते हैं, कि खाना पीना शुद्ध हो, तो आप खुद भी शांत रहते हैं। मुझे ये जानना था आपका इसमें ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ बिल्कुल, देखिए मुझे है क्या ना कि मैं आसपास के ही एक गांव से हूँ जी, और मैंने ऐसे ही अपने गांव के तालाबों में मैंने खुद ने तैरना सीखा है। ठीक है, खुद ने उसने भैंसे नहलानी पड़ती थी जी, और खुद भी भैंस की पूंछ पकड़ के उसमें घुसते थे, लेकिन अभी आप देखेंगे उन्हीं तालाबों को तो उसमें भैंस तो दूर, अगर हम हाथ भी लगाएं तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होने का डर रहता है। बिल्कुल, है ना, तो वो उसी से परेशान होके, उसी को दिमाग में रखते हुए ये सोचा था कि क्यों ना अपने नेचर को हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। हाँ जी, क्योंकि हम एजुकेशन हो सकता है 5-10 डिग्री और भी फालतू ले सकते हैं, लेकिन हम जिस चीज़ के आसपास रह रहे हैं अगर वही काम की नहीं है, वही ख़राब है, तो उस सब चीज़ों का कुछ फ़ायदा है नहीं जी। तो इसी को सोचते हुए एक इनिशिएटिव शुरू किया था जी। बट अच्छी बात जो है कि इसको ना, मतलब काम तो है ही, आपको एप्रिसिएशन भी मिलता है, आपका काम भी होता है, नेचर में पॉजिटिव चेंजेस भी आते हैं, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है आत्मसंतुष्टि, सेल्फ सेटिस्फेक्शन से बढ़कर कुछ नहीं। हाँ, क्योंकि आप जब किसी ऐसी वाटर बॉडीज को देखें जिसमें कोई भैंस फंस जाए, है ना, भैंस पानी पीने के लिए जा रही है तो उसी में फंस जा रही है जी, क्योंकि दलदल बन चुकी होती है। बिल्कुल, कोई बच्चा कोई अपना उस तरफ भेजने के लिए तैयार नहीं होता जी, क्योंकि हो सकता है वो भी दलदल में फंस के मर जाए, और आपके काम के बाद उसी तालाब में वापस से भैंस नहा रही हैं, उसी में बच्चे उछल उछल के कूद रहे हैं, है ना, गर्मियों में तालाब में नहा के आनंद ले रहे हैं, तो उसको देख के जो आत्मसंतुष्टि मिलती है ना, वो सबसे ज़्यादा कीमत उसकी होती है हमारे दिमाग में। एक्चुअली में कहा जाता है कि आज के समय में ना पैसा सबसे बड़ी चीज़ है ना। बिल्कुल, पर यहाँ पे आके आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि पैसे से आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल, सबसे पहली सेल्फ सेटिस्फेक्शन, दूसरा दूसरों के चेहरों पे एक मुस्कुराहट देखना, तीसरा अपनी बचपन की चीज़ें जो हम कहीं ना कहीं छोड़ चुके हैं उनको आज के समय में
देखना, वो भी एट लाइव। तो मुझे सबसे पहले इस पॉन्ड के बारे में आप बताएं कि इसका निर्माण कैसे हुआ, कितना टाइम लगा, क्या बजटिंग थी, एंड कोई ऐसा किस्सा जो कि अब तक कहीं भी रिवील ना हुआ हो। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जी। अगर मैं आपको इसी तालाब की कहानी सुनाऊं तो इसमें जब मैं 2019 में मैं इस तरफ आया था, ठीक है, सामने एक फैमिली रहती है तो वो पुलिस में जॉब करते थे, तो वो मुझे ऐसे ही एक दिन एक दूसरी साइट पे आके मिले मुझसे जब मैं काम कर रहा था। उन्होंने बताया कि यार मेरे गांव में भी एक तालाब है, हाँ जी, अगर आप उसको एक बार देख ले। जब मैंने देखा आके, उसके बाद मैंने जो है आसपास गांव वालों से जब पूछा तो पता चला कि इसमें जो है एक बच्चा डूबने से, दलदल में फंसने से मौत हो चुकी थी उसकी, है ना। और उनकी अगर कभी गलती से भैंस इस तरफ घुस जाती थी तो कभी वापस नहीं जाती थी वो जी। तो उस तरह की डरावनी कहानियाँ थी। जब मैंने बोला कि मैं इसको कर सकता हूँ साफ, है ना, इसको अच्छा कर सकता हूँ, तो गांव वालों ने खुद ने ही मना किया कि बेटा बहुत रिस्की है, है ना, उस तरफ मत जाना, क्योंकि लोग ना डरने लगे थे इस तरफ आने से। लोग सोचते थे कि ये एक तरह से मौत का कुआं है, मौत का, है ना, इसमें जो भी जाता है वो फंस जाता है, उस तरह की यहाँ पे कहानियाँ थी। लेकिन जब हमने शुरू किया, गांव वालों को विश्वास दिलाया कि नहीं, हम इसको एक पॉजिटिव चेंज यहाँ पे लाएंगे, आप उस बात की चिंता ना करें, तो थोड़ा सा गांव वालों को विश्वास हुआ। और जब हमने इसको एक साल मेहनत करने के बाद, फिर हम यहाँ पे टाइम टू टाइम मीटिंग करते हैं गांव वालों के साथ, तो जब हमने वापस से उनको बुलाया, है ना, तब हमने उनको दिखाया कि अब आप इसमें, बच्चे तो दूर, आप भी इसमें नहा सकते हैं जाके, आप अपनी भैंसे इसमें पानी पिला सकते हैं उसमें, बिल्कुल। तो वो जो गांव वालों ने फिर हमको अप्रिशिएट किया, आशीर्वाद दिया, वो एक अलग लेवल था, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो हमारे अंदर आया। इवन यहाँ पे काफ़ी दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स और स्टेट से गवर्नमेंट ऑफिसर्स आए, है ना, उन्होंने देखा कि कैसे इसको चेंज लाया जा सकता है एक वाटर बॉडी को। आज भी हर महीने कोई ना कोई कलेक्टर यहाँ पे आता है कि जो अपने ज़िले में रेप्लिकेट कर सके इस तरह के मॉडल्स को, तो वो हमारे लिए खुशी की बात होती है, क्योंकि ऐसी चीज़ अगर मेट्रो सिटी में प्रेजेंट हो तो वहाँ का जो AQA लेवल जो आज के समय में 500 पार जा रहा है, वो कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए, वाटर बॉडी का जो अच्छी बात है, हाँ जी, वाटर बॉडी मतलब हम जो सोचते हैं किसी भी वाटर बॉडी तालाब को देख के कि वो एक पानी का गड्ढा है, हाँ जी, है ना, लेकिन आप उसके ना कई एंगल्स होते हैं। अब आप इस वाटर बॉडी को ध्यान से देखेंगे तो एक तो इसके चारों तरफ पेड़ तो हैं ही जो कि हवा को शुद्ध कर रहे हैं, ठीक है, पक्षी भी उन पर बैठ सकते हैं। दूसरा चीज, जब उसमें क्या कहते हैं वो आइलैंड हम उसमें, क्योंकि हम डेवलप करते हैं, बीच में उसमें बर्ड्स जाके बैठ सकती हैं, डक्स बैठ सकती हैं वहाँ पे, तो फिर उसमें जो है एक एक्वा कल्चर जो होता है, एक एक्वेटिक लाइफ जो होती है ना, वो आती है। क्योंकि आप मतलब हम सोचते हैं कई चीज़ें कि भाई ये तालाब अगर हमारे काम आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज बेकार है। अगर हमारे काम नहीं भी आ रहा है तो तब भी नेचर में बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनके काम आना चाहिए, है ना। अब मान लो सब तालाबों को आप कंक्रीटाइज कर दीजिए, हम चाहते तो हम भी इसमें टाइलिंग कर सकते थे, हम भी इसमें पत्थर लगा सकते थे, और आज भी गांव वाले कई तो डिमांड करते हैं कि आप इसमें टाइलिंग क्यों नहीं लगाते। हम इसलिए नहीं लगाते क्योंकि बर्ड्स को टाइलिंग पसंद नहीं है, है ना, वो अपने अंडे कहाँ छिपाएंगे, अपने बच्चे कहाँ रखेंगे, तो हम इसको इसलिए जानबूझ के कच्चा छोड़ते हैं कि भाई इसको जो है मतलब ज़्यादा कंक्रीटाइजेशन हम नहीं कर सकते। उसका लॉजिक मैंने आपको बताया। तीसरा, अब गर्मियों में क्या होता है कि बहुत सारी गाय भैंस ऐसे ही घूमती रहती है जी, ना, उनको पानी दूर दूर तक नहीं मिलता, और आज सबके घर क्या है ना, वो क्लोज टाइप के हो गए हैं, सोसाइटी बन गई है, सब अपना गेट लगा लेते हैं। पहले क्या ना, घर खुले हुए रहते थे तो कोई भी जाके पानी पी लेता था, हाँ जी, अब क्या है कि वो भी लॉक होते हैं सबके, तो ज्यादातर गाय पशु पक्षी आपको गर्मियों में कई मरे हुए मिलते हैं, क्योंकि वो पानी उनको नहीं मिल पाता, उनको पानी नहीं मिल पाता, उसके लिए हम एक स्पेस दे रहे हैं उनके लिए, आपको आइए पानी पीजिए, नहाइए, बैठिए, जाइए यहाँ पे, है ना। तीसरी चीज, जब यहाँ पे पानी के कांटेक्ट में जब भी हमारी हवा आती है, है ना, तो उससे क्या होता है, वो टेम्परेचर आसपास का डाउन हो जाता है। मान लो ये आसपास की सोसाइटी आप देख रहे हैं, अगर इधर से हवा चलेगी, पानी से टच होके जाएगी वो, और फिर सोसाइटी में जाएगी, तो अपने आप ही उसका 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा। कहीं ना कहीं हम जो हीट वेव्स हैं, ग्लोबल वार्मिंग है या क्लाइमेट चेंज है, हम उसके लिए भी काम कर रहे हैं। क्योंकि आज के समय एक वाटर बॉडी को रिस्टोर करने से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। क्योंकि आज के समय में ना, जितना मैंने देखा है या स्टडी करा है, जो अभी एक्चुअल फैक्चुअल चीज़ें हो रही हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, और उस कारण कहीं ना कहीं वो इफेक्ट हम लोगों को देखना पड़ रहा है। आज के समय में अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स,
लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बट अगर ऐसा कुछ एनवायरमेंट कहीं हो तो आई एश्योर एवरीवन कि इन चीज़ों का तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल, आप देखिए ना, मैं तो अखबार न्यूज़ देखता रहता हूँ, 25 से 30 साल के लड़कों को हार्ट अटैक आ रहा है अचानक से, इवन मतलब 20 साल के लड़कों को भी अचानक से हार्ट अटैक आ जा रहा है ना, क्योंकि चारों तरफ हवा लेने लायक बची नहीं है एनसीआर में, है ना, और जो खाना है वो भी शुद्ध नहीं मिल पा रहा है। तो और दूसरी चीज़ है, मतलब आसपास उतना नेचर भी उतना अच्छा नहीं बचा है, तो वो कहीं ना कहीं हमारी, चाहे अस्थमा की बीमारी हो, कैंसर की बीमारी हो, हार्ट अटैक की बीमारी हो, इन सबको बढ़ावा तो मिल ही रहा है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो जो चीज़ है, आप आर्टिफिशियल की तरफ ना जाके ना नेचर की तरफ जाइए, आप बड़े हॉस्पिटल में चले जाइए, आपको लास्ट में वही सलाह देंगे कि आप खुली हवा में जाके बैठिए, है ना, साफ वातावरण में जाके बैठिए। और आप सबसे जो डरावनी चीज़ है एनसीआर के लिए, वो है कि यहाँ के जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत, है ना, वो नीचे होता जा रहा है, और एक टाइम के बाद क्या है, ग्राउंड वाटर में एक टाइम के बाद ना फ्लोराइड, आर्सेनिक जैसी चीज़ें आने लगती है, जो कि फिर शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। आज भी आप, मैं अगर 10 साल पुरानी भी मैं बताता हूँ, तो हमारे घर में ना कोई आरओ था ना कुछ था, तब भी पानी पी रहे थे, तब भी स्वस्थ थे, लेकिन आज उसी नल से पानी निकल रहा है, वो पीने लायक नहीं बचा। तो 10 साल में इतना चेंज आया है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि नीचे ग्राउंड वाटर जा नहीं रहा है, है ना, और जा भी रहा है तो वो बहुत पॉल्यूटेड जा रहा है, क्योंकि वाटर बॉडीज उतनी ज़्यादा गंदी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं अगर हम वाटर बॉडीज को बचा रहे हैं तो हम अपने आप को बचा रहे हैं जी। तो ये सब चीज़ें तो ठीक है, बट आफ्टर स्टडिंग योर पास्ट, मेरे पास एक सबसे बड़ा क्वेश्चन बना, जो कि मैं क्या, कोई भी सोचेगा तो उसके मन में आएगा, यार ये चीज़ कैसे हुई, एमएनसी कंपनी ड्रॉप करके इस तरीके से समाज सेवा में आना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल, मैं पहले 2 साल मैं एमएनसी में था, और दोनों साल मैं जो है, मतलब पहले, क्योंकि जब मैं एमएनसी ज्वाइन किया था तो तब भी मैं ये काम करता था, बट मतलब वीकेंड में किया, इस तरह के पार्ट टाइम जो होता है, वॉलेंटियर की तरह। एमएनसी ज्वाइन किया तो फिर मैं जो वीकेंड में करता था, बट हमेशा यही रहता था कि जो कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, है ना, क्योंकि जॉब करना आपको एक फाइनेंशियली आपको कम्फर्ट दे सकता है, फाइनेंशियली आपको स्ट्रॉन्ग बना सकता है, लेकिन मेंटली स्ट्रॉन्ग आप तभी बनेंगे जब आप अपना पैशन फॉलो करेंगे जी, है ना। और आप मान लो 8 घंटे की जॉब में अगर 80 बार टाइम देख रहे हैं कि कब छुट्टी हो, कब वीकेंड आ जाए, कब फिर से मैं उसे काम करूं, भाग रहे हो, तो फिर उस काम को करने का कुछ फ़ायदा है नहीं। बिल्कुल। तो दो साल तक क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन था तो मैं वहाँ पर रुका, बट 2 साल के बाद मैंने जो है वो तुरंत मैंने वो छोड़ दिया। मेरे बॉस ने मुझसे पूछा भी कि क्या दिक्कत है, तो मैंने कहा जी मेरा कुछ और करने का मन है, और मुझे भी नहीं पता सच में क्या करने का मन है, बट ऐसा है कि कुछ और करूँगा जी। तो वो मैंने डिसीजन लिया, और लेकिन 6 महीने बाद फिर से वो फाइनेंशियल क्राइसिस होने शुरू हुए। ठीक है। तो बीच में तो लगा कि यार मैंने बहुत गलत डिसीजन ले लिया, है ना, क्योंकि पैसे की भी ज़रूरत होती है, और मैं किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग करता नहीं कि जो मेरा खर्चा उठा सके, है ना। हम 5 भाई बहन हैं हम, और 5 में से सबसे छोटा मैं हूँ, और मैं अकेला ऐसा हूँ जिसने स्कूल देखा है, है ना, मतलब मेरे 3 बहनों ने तो स्कूल देखा ही नहीं, है ना, और एक भाई थे वो 10th क्लास तक सिर्फ पढ़े थे, है ना। तो 11 मैं ऐसा बंदा था जिसने 11वीं में एडमिशन लिया, वो मेरे लिए प्राउड की बात थी, है ना, नहीं तो सबका काम था अपना जंगल से घास लाना, भैंसों को चराना। तो वो मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं फैमिली ने इतना मेहनत भी किया मेरे पीछे, है ना, मतलब उस 5 भाई बहनों में से किसी एक बच्चे के पीछे उन्होंने उतना मेहनत भी किया, खर्च भी किया, और लेकिन वो भी, और उसके एमएनसी में जॉब भी लग गई, फिर भी छोड़ के आ गया, तो कहीं ना कहीं मैं उनके सपने को भी ख़राब कर रहा हूँ। बट मैंने उनको एश्योर किया कि आप 2 साल का मुझे टाइम दीजिए, क्योंकि देखो दो जो शिक्षा आ गई है ना, जो नॉलेज ले लिया, चाहे वो जॉब करके या कॉलेज लेके, वो तो अब वापस नहीं जा सकती, और उसको कभी भी लाइफ में यूज किया जा सकता, तो क्यों ना लाइफ में एक बार तो रिस्क लेना ही चाहिए। तो मैंने बोला 2 साल रिस्क लेते हैं, 2 साल के बाद कुछ नहीं होता है तो वी विल अगेन ज्वाइन द जॉब। तो बीच में हुआ तो मैंने 2-2, 3-3 महीने के लिए जॉब की, जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस होता तो मैं कोई ना कोई जॉब पकड़ लेता था, फिर 3 महीने बाद फिर छोड़ देता था जैसे थोड़े पैसे आते थे। तो लेकिन फिर 2 साल बाद वो अपने आप फाइनेंशियली धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता चला गया, फिर शायद कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। और अब तो टचवुड हमारे पास एक अच्छी टीम है, आई हैव IITians इन माई टीम, आई हैव PhD होल्डर्स इन माई टीम, एंड
लाइक स्ट्रॉन्ग टीम और हम सब लोग बहुत मेहनत करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है एंड इवन बहुत मोटिवेशनल बात है कि लाइक अगर आप खुद के लिए काम करना चाहते हो तो भले ही उसमें टाइम लगेगा बट आप फिर भी उसमें सक्सेस पा लोगे। बिल्कुल, एंड उसका लाइव एग्जांपल मेरे सामने है। इसके साथ ही मैं एक चीज़ और जानना चाहता था कि उस समय मेंटली प्रेशर कैसे हैंडल करा, क्योंकि फैमिली वालों के एकदम से अगेंस्ट आना, जिन्होंने बचपन से मेहनत करके आपको पढ़ाया लिखाया, उधर से आप एकदम से अगेंस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसमें मेंटली स्ट्रांग बहुत होना पड़ता है, उसका आप बताएं कुछ। देखो, को मेंटली स्ट्रेस तो आता है ना, आपको कई बार सोचने पे भी मजबूर होना पड़ता है। हाँ जी। और जब कई बार स्थिति भी जो है उल्टी होती है जी, है ना स्थिति उल्टी इतनी हो जाती है कि क्योंकि, और मेरे केस में तो कई बार ऐसा होता है कि मैं खुद जब मैं कॉलेज में ही था तो तभी मेरी शादी भी हो गई थी, है ना। ओके। मतलब स्कूल पास आउट होते ही मेरा शादी हो गया था, तो मैं मतलब सिंगल भी नहीं था कि जो उतना बड़ा रिस्क ले सकता था मैं, है ना। सो एक तो पहले तो कॉलेज में सब मजाक उड़ाते थे, है ना है ना, तो वो एक प्रेशर है ना। दूसरा, आप रिस्क ले सकते हैं लेकिन रिस्क लें और आपके पीछे भी कोई फैमिली है ना, आपको मतलब खर्चा भी उठाना है फैमिली का, वो एक प्रेशर था जी। तो वो सारी चीज़ें थी, बट मेरा जो पैशन था ना, वो आज भी मेरा पैशन है बट टाइम नहीं मिल पाता, वो था टीचिंग का, है ना। ठीक है। मैं मतलब हमेशा से जब भी मुझे टाइम मिलता तो मैं टीचिंग करता था जी। और मैंने जैसे ही जॉब छोड़ी, मैं कॉलेज के बाद भी 5 बजे से 8 बजे तक हमेशा ट्यूशन पढ़ाता था बच्चों को। ओके। और जैसे मैंने जॉब छोड़ी और इधर आया तो मैंने तुरंत वो फिर से ट्यूशन सेंटर शुरू कर दिया, तो मेरा जो टाइमिंग था वो ट्यूशन में ज़्यादा मेरा जाता था। ओके। और जब भी मुझे ऐसा कुछ लगता था तो मुझे मतलब अंदर सोच के ये फील कर लेता था कम से कम भाई ट्यूशन तो है ही मेरे पास, है ना, और जितना मैं MNC में कमा रहा था उतना लगभग ट्यूशन में भी कमा ही लेता हूँ। तो वो कहीं ना कहीं ये संतुष्टि थी कि सारे काम छूट जाएंगे लेकिन ये जो टीचिंग का पैशन है और टीचिंग की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी समाज में, है ना। टीचर कहीं नहीं, कभी बेरोजगार नहीं बैठ सकता, तो अपना गुजारा तो मैं कर ही लूँगा। तो उससे बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग मैं रहता था कि हाँ, मेरे पास एक स्किल है जिसके बलबूते मैं अगर जॉब भी छूट गई है तो मैं आराम से सर्वाइव कर सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि नॉलेज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल। जो पहले पढ़ा वो आज भी काम आ रहा है और जब कुछ नहीं था वो तब भी काम आएगा। आपके पास एक ऐसा स्किल होना चाहिए कि आप पूरी तरह से बर्बाद भी हो जाएंगे, है ना, आपका सारे बिजनेस बंद हो जाएंगे तो आप उसको जीरो से स्टार्ट करके सर्वाइव कर लेंगे आप अपने आप को, क्योंकि आप आपसे कुछ भी छीन सकता है लेकिन वो स्किल आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो हमेशा अपने अंदर एक ऐसी स्किल रखिए कि जिसके बलबूते आपको ना सेल्फ कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ, सब कुछ बंद हो जाए लेकिन वो तो मुझे आता ही है। एक पॉन्ड को रिवाइव करना, उसका क्या प्रोसीजर होता है? क्योंकि नॉर्मली हर कोई क्या सोचता है कि यार JCB बुलाई, गड्ढा करवाया, नीचे ट्यूबवेल लगाई, पानी चला दिया, बट लोगों को ये नहीं पता उसके आगे का भी काम होता है, उसे मेंटेन कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, उसका बिल्कुल। देखिए, जैसा मतलब लगता है उतना सिंपल होता नहीं है वो, है ना, क्योंकि उसमें बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखना होता है। कितना खोदना है, मिट्टी कहाँ जाएगी, आइलैंड कितना बड़ा बनेगा, कौन सी घास लगेगी, कौन से पेड़ लगने चाहिए, है ना, और तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन उसके लिए देखिए, हर तालाब में ना, आप जितने तालाब, अगर आप 100 तालाब विजिट करेंगे ना, 100 में अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम आपको दिखेगी। ओके। तो जो वे ऑफ रिस्टोरेशन है, उसका जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, वो तो तालाब के अकॉर्डिंग उसको डिसाइड किया जाता है कि भाई इसमें कौन सी मेथडोलॉजी अपनाई जाएगी। बट यह है कि उसका जो ऊपर वीड हो जाते हैं ना, सोख समुंदर जिसको कहते हैं, उसको निकाल के हम कंपोस्ट में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे भी हमने वो किया था। अभी भी जो पेड़ आप देखेंगे उसकी जड़ों में हम वही कंपोस्ट यूज किया है हमने। ओके। तो वो कहीं ना कहीं जो एक बेकार की चीज की हमने उसको एक रिन्यू कर लिया, इसको यूज कर लिया, एज ए रिसोर्स यूज कर लिया हमने, है ना। दूसरा, पानी अगर गंदा पानी आ रहा है गांव तालाब का, तो उसमें गांव का गंदा पानी उसको कैसे ट्रीट करना है, उसके लिए कौन सी वीड यूज करनी है। तो आप देखेंगे कोने पे तो वहाँ पे पानी ट्रीट भी हो रहा है वहाँ पे। ओके। है ना, अगर कुछ भी कचरा आता है लेकिन तालाब तक नहीं पहुँच पाता, वो एक तरीका होता है। और मतलब क्योंकि उसमें जो है क्या है कि आज भी मैं ऑलमोस्ट सारी IIT IIMs में कवर कर चुका हूँ, मैंने 10 बार टेड टॉक दिया है जी। तो अगर मान लो इतना सिंपल होता तो IIT वालों को तो हमसे पहले पता चल जाता है ना, वो तो उतने ज़्यादा स्टडी भी करते हैं। बट आज भी IIT में हमसे ये पूछा जाता है कि भाई क्या क्या ग्राउंड पे चैलेंजेस है, क्योंकि आप क्लासरूम में बैठ के ग्राउंड वाला काम नहीं कर सकते,
और ना सीख सकते हैं। तो जो हमको प्रैक्टिकल नॉलेज हो सकती है वो आप किसी भी कॉलेज में पढ़ लीजिए, उसमें नहीं हो सकती। और वही कहीं ना कहीं हमारा USP है कि हमारे पास चाहे एकेडमिक नॉलेज नहीं है लेकिन हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज है और हम किसी को भी सिखा सकते हैं वो वाली चीज़ें। तो वो प्रोसीजर तालाब के अकॉर्डिंग अपनाया जाता है। फिर उसको मेंटेन करने के लिए वहाँ पे किसी ना किसी टाइप का एक एक्वा एक्टिविटी उससे लिंक की जाती है, अदर इट इज फिश फार्मिंग, लोटस फार्मिंग, वाटर चेस्टनट फार्मिंग, इको टूरिज्म एक्टिविटी। सो वी कैन मेक दैट पॉन्ड सेल्फ सस्टेनेबल, है ना। और वो एक सेल्फ सस्टेनेबल हो गया एक बार तो फिर उसको वापस से डिग्रेड वो नहीं हो सकता क्योंकि अब किसी की इनकम उससे जुड़ जाती है, है ना। और अगर वो गंदा होने देगा तो उसी की इनकम कम होगी। तो दैट इज द वे हाउ टू मेक ए पॉन्ड सेल्फ सस्टेनेबल। इससे पता चलता है कि आपने एक पॉन्ड से रोजगार भी बनाया। बिल्कुल। जो मछुआरे, जो लेबर, जिन्हें अभी कुछ एट प्रेजेंट फिक्स चीज नहीं मिल पा रही है, वो यहाँ पे आके अपना काम कर सकते हैं। तो उस चीज के लिए भी कोई रेंट होता है या इट्स जस्ट फ्री? उसके लिए ना गवर्नमेंट प्रोसीजर होता है। ओके। आपको तहसील से फॉर्म भर के वहाँ पे मान लो एक तालाब के लिए 3 से ज्यादा लोग भी इच्छुक हो सकते हैं, ठीक है ना, XYZ तीनों उस तालाब पे काम करना चाहते हैं। तो उसमें ये होता है कि भाई आप सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत के अकाउंट में कौन पैसे जमा करेगा। ओके। है ना, वो एक तरह से बोली लगाई जाती है। तो जो कहता है जी मैं इसको मेंटेन रखूंगा और इतने पैसे ग्राम पंचायत को सपोर्ट में दूंगा, उसको फिर वो मिल जाता है, ठीक है। लेकिन टर्म कंडीशन होती है, अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो फिर छीन के दूसरे को दे दिया जाता है, ठीक है। इसके साथ ही मुझे ये जानना था कि लाइक अभी एट प्रेजेंट कोई जना मेट्रो सिटी में रह रहा है ना, जहाँ पे इतना एरिया पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें गाँव में पॉसिबल है, वहाँ पे तो हर जगह बिल्डिंग है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अपनी सोसाइटी में किस तरीके से कोई छोटी चीज़ मेंटेन कर सकता है, आप वो बताएं, ताकि उधर भी इस ये कल्चर अपनाया जा सके। देखो सोसाइटी में इतना बड़ा तालाब तो नामुमकिन है, बिल्कुल, क्योंकि उतनी बड़ी तो सोसाइटी होती है ना। तो लेकिन वो आसपास अपना मान लो सामने वाली ग्रीन बेल्ट है ना, ग्रीन बेल्ट का मान लो आप 50 मीटर का हिस्सा अडॉप्ट कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ग्रीन बेल्ट्स की भी हालत खराब रहती है, है okay. ना। या आप अपनी सोसाइटी में छोटा सा पार्ट अडॉप्ट कर लीजिए कि भाई मैं इस हिस्से का, क्योंकि आप पूरा देखेंगे है ना, आपसे नहीं हो पाएगा फिर आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जितना आपके रोजगार से, जॉब से, ऑफिस से टाइम मिल पा रहा है जी। आप कैलकुलेट करिए कि मैं महीने में 3 घंटे दे सकता हूँ, तो 3 घंटे में इतना हिस्सा मैं मेंटेन कर सकता हूँ, तो उतना हिस्सा आप ध्यान रखिए और उसको अच्छे से मेंटेन करिए। तो दिस इज द वे कि यू कैन कंट्रीब्यूट टू एनवायरनमेंट कंजर्वेशन। आज के समय में फैक्ट्रीज जो है उनका वेस्ट सबसे ज्यादा हमारी वाटर बॉडीज को अफेक्ट करता है। वाटर बॉडीज हो गई जो इनके अंदर के जीव जंतु हैं उनको सबसे ज्यादा खत्म कर रहा है। चिड़िया, बर्ड्स, ये सब चीज़ें मेट्रो सिटीज के अंदर अप्रोक्सीमेटली ना के बराबर है, है ना। पर्सनली मैं भी यहाँ की सबसे ज्यादा सुन पा रहा हूँ, वरना मैं मोहन नगर रहता हूँ, बिल्कुल उधर भी नहीं है ये चीज़। उसका कारण आप क्या समझते हैं और उसके लिए क्या प्रिकॉशन जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? देखो ऐसा है ना, मेट्रो सिटी में जहाँ जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ वहाँ पे नेचर तो डिग्रेड होगा, ठीक है, है ना। आप एक ही टाइम पे दोनों चीज़ों को नहीं पा सकते। हाँ जी। या तो आप है ना, या तो आप इंडस्ट्रीज को लेंगे या वहाँ पे आप सोचें कि वहाँ पे जंगल भी हो जाए और इंडस्ट्रीज भी हो जाए, ठीक है, दोनों चीज़ें तो नहीं होगी, है ना। लेकिन यह है कि गवर्नमेंट रेगुलेशन इस तरह के स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, उनका इम्प्लीमेंटेशन इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि किसी भी इंडस्ट्री के मालिक को या इंडस्ट्री को हिम्मत ना हो कि वो आसपास की नेचर को खराब कर सके। नहीं तो होता क्या है, वो अपनी रनिंग कॉस्ट करने के लिए, कट करने के लिए वो क्या करते हैं, अपना ETP चालू नहीं करते, STP चालू नहीं करते, जिससे कि पानी उसको रिचार्ज उनका क्लीन होता है जो पानी। एक बार बताना चाहिए ना, ETP होता है इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। ओके। वो किसी भी इंडस्ट्री के लिए होता है कि भाई आपका जो खराब पानी निकलता है प्रोसेस के बाद वो ETP से आप गुजारिए, उसको गंदगी वहीं रुक जाएगी, साफ पानी आप नाली में आ जाएगा। STP होता है एक तरीके से सीवेज के लिए, है ना, डोमेस्टिक वेस्ट के लिए। तो ना तो सोसाइटी वाले अपना STP चालू करते हैं, ना ETP इंडस्ट्री वाले ETP चालू करते हैं, क्योंकि उनका खर्चा आता है उसमें, ठीक है, बिजली लगती है, मैन पावर लगती है। तो अगर मान लो वो अगर चालू करेंगे तो अपना नेचर उतना ज़्यादा डिग्रेड नहीं होगा, है ना, डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो उतना स्ट्रिक्टनेस गवर्नमेंट को उन पे दिखाना होगा, एक मॉनिटर करने के लिए टीम हमारे पास होनी चाहिए उसको, है ना। ओके। दूसरा, सारे कॉर्पोरेट्स को अपने आसपास एक छोटे छोटे पॉन्ड्स को अडॉप्ट कर लेना चाहिए, है ना। जैसे अगर इस पॉन्ड के लिए HCL फाउंडेशन ने सपोर्ट किया है, ओके, है ना,
हमारे कुछ फंड्स के लिए HDFC ने सपोर्ट किया, कुछ के लिए मारुति ने सपोर्ट किया है ना, तो दैट इज द वे कि वो अपने प्रोसेस के साथ साथ भी आसपास के नेचर के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल, तभी आप हैंड इन हैंड चलेंगे कि आपका देश का डेवलपमेंट भी हो रहा है एंड आपकी नेचर भी सेफ है। आजकल के समय में ना पहाड़ों के आसपास लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा हो रही है ड्यू टू माइनिंग, या फिर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, रोड बन रही है, और उस कारण कहीं ना कहीं नेचर पे इफेक्ट आता है, क्योंकि कभी ना कभी नेचर अपना प्रभाव दिखाती है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर पब्लिक कहती है कि यहाँ पे वाटर लॉगिंग हो रही है, बाढ़ आ गई, ये हो गया, उसका रिव्यू आप कुछ शेयर कीजिए। बिल्कुल, देखिए हम ना अब छोटे बच्चों को ना छोटेपन से हम सिखा रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। चाहे आप कोई भी कोर्स कर लीजिए, आप इंजीनियरिंग कर लीजिए, मेडिकल कर लीजिए, MBA BBA कुछ भी कर लीजिए, EVS शायद सबके लिए कंपलसरी है ना, एनवायरमेंटल स्टडीज़, और उसमें सबसे ज़्यादा जोर अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ही है कि भाई हम ऐसा डेवलपमेंट करें कि हमारा विकास भी हो जाए और नेचर को भी नुकसान ना पहुँचे, है ना, दैट इज़ कॉल्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बट ऐसा एक्चुअली हो नहीं रहा है, है ना, मतलब वो हमारे देश में नहीं, कहीं पर भी नहीं हो रहा है, वो सिर्फ एक नाम का सस्टेनेबल डेवलपमेंट रह गया है। तो विकास तो ज़रूरी है और विकास को कोई रोक भी नहीं रहा है, बट ये है कि विकास ऐसा ना हो कि मतलब वो हमें ही बाद में डिस्ट्रॉय कर दे वापस से। तो आप नेचर के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो रिवर्स में तो कुछ ना कुछ रिटर्न में वापस से मिलेगा, है ना। तो उसमें तो मेरा वही हमेशा मतलब स्टैंड रहता है कि हम डेवलपमेंट भी करें बट नेचर को, रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए करें, उनको हम खराब ना करें। पर्सनली आज इस एपिसोड से मुझे दो चीज़ें सीखने को मिली। पहला जो आपने बताया सोसाइटी के लिए कि लाइक पर्सनली मैं अब खुद जाके एक छोटा पोर्शन जिसकी मैं टेक केयर कर सकूँ उस चीज़ को अडॉप्ट करूँगा। दूसरा, नेचर से ज़्यादा खिलवाड़ ना करें, बिल्कुल, क्योंकि उसका अगर रिवर्ट आया तो वो हमसे झेलेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। पॉडकास्ट से बेसिकली मैंने दो चीज़ें सीखी, पहला कि अपनी सोसाइटी के अंदर हम कैसे एक छोटे पोर्शन को मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम बड़े एरिया को कवर नहीं कर सकते। बिल्कुल। एंड सेकंड, नेचर से ज़्यादा खिलवाड़ मत करो, वरना अगर उसका रिवर्ट आया तो वो हमसे झेलेगा नहीं। एंड एट लास्ट सर, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें टाइम दिया एंड छोटी छोटी चीज़ें बताई जो कि एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। थैंक यू एवरीवन एंड मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट पे।